संगी जनों फतेह परवान करो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। फरीद दे ए पावन बोल उठ फरीदा ओजो साज सबह निवाज गुजार। अक्सर मनुख सवाल पूछता है कि परमात्मा दी बंदगी दी रुत केड़ी है, समा केड़ा है। जेकर किसान नूं वेखीए ता उस दे बीज बीजन दी भी रुत होंदी है कि किस रुत विच कणक बीजनी है ते किस रुत दे विच कपास बीजनी है, किस रुत विच गन्ना बीजना है ते किस रुत विच बाजरा बीजना है। क्योंकि रुत दे मुताबिक ही बीज उगदा है। जिथे उत्तम किस्म दा बीज होवे धरती भी उत्तम होवे उपजाऊ होवे ते फिर बीज बीजन दी रुत भी होवे समा भी होवे। तो परमात्मा दी बंदगी दा किड़ा समा है, किड़ी रुत है। तो दानसबंद इस तरह कहते हैं कि अठ पहर दे विच दो रुत्तां आउंदियां, दो रुत्तां भाव 24 घंटिया विच दो रुत्तां ऐसियां हन जद बीज बीजन दा समा है। जिसनूं सनातन धर्म कहिंदा है ब्रह्म मुहूर्त ते जिसनूं इस्लाम कहिंदा है अलल सुबह और जिसनूं जगत गुरु बाबा कहिंदे हन अमृत वेला। जो अमृत वेला है सूरज हाले खिड़िया नहीं चढ़िया नहीं पौ फुटी है प्रकाश हो गया ते उसनूं ना असी रात कह सकते हाँ ना दिन कह सकते हाँ पौ फुटी है। कहिंदे ने रात रुखसत हो रही है ते दिन आ रहा है, हाले सूरज चढ़िया नहीं है पर चानना हो गया प्रकाश हो गया ते इसनूं कहिंदे हन संधि संध्या। बाहो रात और दिन दी संधि हो रही है ते इसी तरह जदों सूरज छिप गया ते चानना हाले भी मौजूद है। सूरज छिप गया चानना मौजूद है ते उसनूं पूर्ण तौर ते दिन भी नहीं कह सकते ते रात भी नहीं कह सकते।
एक संध्या वो है। तो धन गुरु नानक साहिब दे घर विच दो संध्या दी सवाल बहुत जरूरी है। बकायदा अमृत वेले दी बाणी वखरी है ते शाम दी बाणी वखरी है। हरमंदर साहिब दी पावन धरती ते ओ मर्यादा जो धन गुरु अर्जन देव साहिब तो चलती आ रही है अज भी मौजूद है। जिस तरह कीर्तन आरंभ होंदा सी गुरु पातशाह जी बाद विच आउंदे सी, कीर्तन पहला ही आरंभ हो गया, द्वार पहला ही खुल गए, संगतां ने पहला ही आना शुरू कर दिता, ते अज भी कीर्तन पहला आरंभ हो जाता है ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन स्वरूप बाद विच आंदा है। जदों सूरज छिपदा है ते कीर्तन तो बाद सोदर दी चौकी शुरू हो जाती है। सोदर दा पाठ रहरास, रहरास दे जिहड़े आखरी अर्थ ने ओ हन उस राह दी रास, जिस राह ते असीं तुरना है उस राह दी पूंजी रास उस नूं कहिंदे हन रहरास। दूजा अर्थ इसका अरदास बेनती, क्योंकि सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच भी इस तरह कहा है कि तिस आ गए रहरास हमारी। सिद्ध कहते हैं ये पुरखा तेरे अगे एक रहरास है, जोदड़ी है, बेनती है साढ़े सवालों के जवाब दो। तो ये दो समय ऐसे ने जो बीज बीजण देने ऐसिया रुत्तां ने अमृत वेला ते शाम, तो इसकी संभाल करनी बहुत जरूरी। तो शेख फरीद जी कहंदे ने उठ फरीदा ओजू साज सबा निवाज गुजार, उठ फरीदा तू गहरी नींद विच ना सो, गफलत दी नींद विच ना सो, तो उठ उद्दम कर ते ऊजू साज। ऊजू कहंदे हन हथ मूह तो ते खुदा दे चरणा विच जुड़। कई दफा मनुख पुछ लैंदा है कि की इशनान करना बहुत जरूरी है, पर नहीं, जेकर किसी की सेहत ठीक नहीं है तो कोई परवाह नहीं है। जेकर मनुख का मन नहीं मनता कि सेहत ठीक नहीं है तो फिर कोई गल नहीं है, फिर भी तू उठ के बैठ प्रभु का सिमरन कर। फरीद कहते ने हथ मूह तो ते अकाल पुरख के नाल जुड़, खुदा के नाल जुड़, क्योंकि सुतियां ही बीत गई सारी जिंदगी सारी जिंदगी। उठ फरीदा ऊजू साज सुबह निवाज गुजार, अमृत वेले दी जड़ी नमाज है वह अदा कर। हुण ये जो अदा शब्द है नमाज अदा करनी, अदा दा भाव है चुकाना, अदा करना। तो कुछ धार्मिक ग्रंथ इस तरह भी कहते हैं कि परमात्मा दे नाल इस जीव स्त्री ने जीव आत्मा ने वायदा किया है कि मैं तेरी इबादत जरूर करांगा। इस्लाम धर्म कहता है तेरे ते बहुत वड्डा परमात्मा दी रहमत है, बहुत वड्डा फजल होया तेरे ते, तू उस ते बदले पंज निवाज अदा कर। तो फरीद जी उस वल इशारा करते हुए कहते ने सुबह निवाज गुजार, और जे किधरे तू अमृत वेले की संभाल नहीं कीती तो फिर फरीद नु कहना पिया जो शिर साई ना निवै सो शिर कप उतार।
जिहड़ा शरीर प्रभु दे चरणां विच नहीं जुड़िया ते अपनी ही मौज विच रहा, अपनी ही धुन विच रहा, कहिंदे ने हे प्राणी तेरा जीवना जगत दे विच बेकार है, बेअर्थ है। क्योंकि गुरबाणी दे बोल हन, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोय। जीण दे काबिल तां ओही है जिहड़ा प्रभु नूं गा रिहा है, नहीं तां फिर पशु भी जींदे ने, पंछी भी जींदे ने, सप भी जींदे ने, ते कीड़े मकोड़े भी जींदे ने, पर तूं इन्हां तों वखरा है, तूं गा प्रभु। जो शिर साईं ना निवै सो शिर कीजे काहे। एक सवाल खड़ा कीता है, प्रसन्न कीता है कि जिहड़ा शिर निवदा नहीं, जिहड़ा अपने ही हंकार विच, अपने ही गुरूर विच मस्त है और कदे प्रभु दी बंदगी नहीं करदा, उस शिर दा की करिए, की करिए। तो फरीद जी कहंदे ने कि जिहड़ा शिर निवदा ही नहीं, हंकार विच है, जिहड़ा भगती नहीं करदा, इबादत नहीं करदा, हुण ऐसे मनुख नूं, ऐसे प्राणी नूं की करना है। तो फरीद ने तां खुले शब्दां विच कह दिता, कुन्ने हेठ जलाई है बालण संदे थाए, कि बालण दी थां, लकड़ी दी थां ऐसे मनुख नूं चूल्हे विच पा दो। क्यों? क्योंकि ऐसा मनुख दा ठीक उसे तरह कि जदों कोई शाखा दरखत तो वख हो जाए तो वह शाखा किस कम आउंदी है, कटिए ते नित जालीए। जिहड़ी शाखा वख हो गई दरखत तो, उसनों कट कट के अग विच पाई जाए। जिहड़ा मनुख भी प्रभु तो वख हो गया, प्रभु दे नाल प्रीत नहीं है, कहिंदे ने ऐसे मनुख नूं ऐसी ही सजा, ऐसी सजा। तो फरीद जी मनुख नूं चेते कराउंदे ने कि एक बहुत वड्डा सबूत तेरे सामने और उस सबूत नूं तू चेते कर। किस तरह दा सबूत है ते क्यों दे रहे ने सबूत? तो फरीद जी कहंदे ने जरा गौर कर कि तेरा जो सफर है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जितना तेनु समय प्राप्त होया है एक दिन खत्म हो जाएगा, मुक जाएगा। और जदों ये समय मुक गया फिर को रहे ना भरिए पाइए। जदों उम्र दी पाई भरी गई फिर रहना नहीं है, फिर रुखसत कर गए, चले गए। पर कई दफा मनुख नूं यकीन नहीं होंदा। इतनी तो खबर है कि असी जगत तो रुखसत होना है, जाना है, इतनी तो खबर है, पर यह खबर नहीं है कि उस समय कद आएगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल गन, जिनी चलन जानिया से क्यों करें विथास। जिन्हां नूं सच्चे अर्थ विच समझ आ गई कि वाकई ही जाना है और बुलावा किसे वेले भी आ सकता है, ते फिर मनुख इतना पसारा क्यों करदा है, इतना विस्तार क्यों करदा है, क्यों करदा है? उहदे विचों कुछ समा कढ ते प्रभु नूं गा, प्रभु नूं गा। तो आप जी जगत नूं उपदेश करदे ने, फरीदा किथे तेंडे मापिया जिन्नी तू जणी, किथे ने जिन्हां ने तेनू जन्म दिता वह किथे ने? कहिंदे ने चले गए, रुखसत कर गए। मां ने जन्म दिता, पिता ने जन्म दिता, कहिंदे ने वह चले गए, तुर गए, संसार तो विदायगी ले गए। तो फरीद जी कहंदे ने तै पासों ओए लद गए तो अजे न पती न, तेनु हाले तक यकीन नहीं होया, तेनु हाले तक भरोसा नहीं होया, हाले तक तेरा मन नहीं पती जिया कि जदों ओ चले गए फिर असी भी चले जाने।
क्यों? क्योंकि साढ़े तो पहला कोई होर सी, साढ़े तो बाद कोई होर होगा। अज असी बैठे हुए तो कितने ही इतने बैठ के चले गए, साढ़े तो बाद कितने ही बैठने। तो यह एक सबूत दिता है कि जदों ओ लद गए तैनू भी लदना पेगा, तैनू भी। पर जदों लदन की वारी आवे, जाण की वारी आवे, उस तो पहला एक कम कर। की कम? कि मनुख का जिहड़ा मन है, इस दे विच तिन्ना गुणा का खिचाव है। तिन्ना गुणा का, और तिन्ना गुणा के खिचाव करके मनुख के मथे ते आप जी देखना ते तीन के चार लकीर होंदिया ने, ते इसका भाव यह होया कि मनुख का जिहड़ा मन है उस दे विच खिचाव पै रहा है। ते ओ खिचाओ भावे तमो गुण दा होवे, भावे रजो दा होवे, भावे सतो दा होवे, तिन्ना गुणा दा खिचाओ। और इसे नूं कहिंदे ने त्रिकुटी, तीन लकीरां खिचाओ त्रिकुटी। ते ऐसे पुरख दे मत्थे नूं भी देखना जिहदी त्रिकुटी छुट गई होवे, फिर ओहदा मत्था इस तरह चमकदा है इलाही नूर। उन्हां दा मत्था इस तरह जिवें हुणे अमृत सागर विच इशनान कीता है, इस तरह दा त्रिकुटी छुट गई। मैं अर्ज कर रहा सी कि मन दे विच बहुत किस्म दे टोए टिब्बे ने, बहुत किस्म दे। किस तरह दे टोए टिब्बे? कि मन दुविधा विच जी हुंदा है, दुविधा विच। जे किधरे शरीर दे दो हिस्से हो जाण ते उहदा जीवना मुश्किल हो गया। पर फिर भी कहिंदे ने जेकर कोई चंगा वैद होवे तां उस शरीर नूं फिर सुरजीत कर सकदा है। पर जेकर इस तन दे दो तों किते वध हिस्से हो जाण, और हिस्से भी इस तरह होण, ते कहिंदे ने वड्डे तों वड्डा डॉक्टर भी फिर इस नूं सुरजीत नहीं कर सकदा। दो हिस्से भी इस तरह जे लत वख हो जाए तो वैद उपचार कर सकता है, जे हथ वख हो जाए वैद उपचार कर सकता है। पर जेकर शरीर दे दो ही हिस्से हो जाण कि धड़ दे विचकार एक ऐसा घाव होवे, कहिंदे ने दो पासे हो गए, दो टुकड़े हो गए, उस नूं भी सुरजीत करना बड़ा औखा होगा, बहुत मुश्किल है। पर जिहड़ा मन है वह जीवंदा ही टुकड़िया विच है, टुकड़िया विच। मन दे जितने टुकड़े होणगे मन उतना मजबूत होंदा है, जितने टुकड़े होंदे ने। और पुरातन समय विच जदों गीतकार गीत लिखदे सी तां असलियत जगत दे सामने रखदे सी, और कहिंदे सी कि दिल के टुकड़े हजार हो गए, बाओ मन दे हिस्से अनंत हो गए। उधो मन तो दस बीस भए, उधो कहिंदा है मन एक नहीं, मन तो दस बीस हो गए। पर उसने तो कह दिता दस बीस, पर इत्थे तां कहिंदे ने कि मन दे अनंत अनंत हिस्से हो गए ने, अनंत अनंत हिस्से। द्वैत विच जीवंदा है मन। द्वैत किस तरह दा? मन दा एक हिस्सा कहिंदा है संगत कर लो, दूजा हिस्सा कहिंदा है की लोड़ है। एक हिस्सा कहिंदा है मन दा अमृत वेले उठो, दूजा हिस्सा कहिंदा है की लोड़ है, अज नहीं भी उठे तो कल उठांगे, ये मन दा दूजा हिस्सा। हुण जेकर खब्बा हथ कोई कम करदा होवे ते सज्जा उसनूं मिटा देवे, जेकर खब्बी अख कुछ होर वेखे सज्जी अख कुछ होर वेखे, ते सज्जा कन कुछ होर सुने ते खब्बा कन कुछ होर सुने,
खब्बा पैर किते होर तरफ जावे, सज्जा पैर किते होर तरफ जावे, तो फिर उस मनुख की की दशा होगी, की हालत होगी। ते पूर्ण तौर ते ना वो देख सकेगा, ना सुन सकेगा, ना तुर फिर सकेगा, क्योंकि द्वेत विच जी रहा है। खब्बा हथ कहिंदा मैं यह कम करना, सज्जा कहिंदा नहीं ये नहीं करना, ये करना। जे पूर्ण तौर ते वेखना होवे ते सजी ते खब्बी अख दोवां दा मिलन करना पएगा, इको ही विशा दोवां दा इको विशा। उसी तरह मन के भी जेकर अनंत हिस्से ने, एक हिस्सा कुछ कहता है, दूजा हिस्सा कुछ कहता है, तीजा हिस्सा कुछ कहता है, और अनंत अनंत हिस्से ने, और इन्हां दे विच जितने विचार चलते ने फरीद जी उन्होंने ही कहते ने ये मन के जिहड़े टोए टिब्बे हैं इसनों मिटा दे, ये मेरा है ये तेरा है, इसका बुरा हो जावे उसका भला हो जावे, ये मेरा वैरी है ये मेरा दुश्मन है ये मेरा मित्र है, कहते ने इस किस्म के टोए टिब्बे खत्म कर दे, खत्म कर। तो फरीद जी कहते ने फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, मन दे विच जिहड़े टोए टिब्बे बने हुए ने, किते घाटी है किते पठार है किते पर्वत है, ये टोए टिब्बे बाओ, संकल्प विकल्प वख वख किस्म के विचार जिहड़े चलते हैं इसनों मिटा, मन नूं मैदान कर समतल बना दे। जदों मन समतल होंदा है तो उस ते निशानी है ना को बैरी नहीं बिगाड़ा, सगल संग हम कौ बन आई। जदों मन समतल हो गया, मन मैदान हो गया, ते फिर समझ लेना कीती हुई अरदास ओ आप जी ने अपने ही अमल दे विच ले ली। केड़ी अरदास? के तेरे बहाने सरबत दा भला, वो अपने ते ही लागू कर ली अपने ते ही। तो फरीद जी कहते ने जेकर मन नू इस तरह समतल बना लिया तो फिर अगे मूल न आवसी दोजक संधि बाह, दोजक दी अग, संधि दा भाव है दी, दोजक दी बाह अग। हुण इसनू जेकर बरीक बुद्धि दे नाल समझिए तो कुछ मनुख ऐसे हन जिहड़े शारीरिक तल ते जीउंदे ने पर फिर भी नरक भोग रहे ने। इस तो वड्डा दोजख ही होएगा, इतना नरक भोग रहे ने। कई दफा वह कह देंदे ने कि जगत विच जी रहे हां पर जीना की है, नरक भोग रहे हैं और की है। ते कई ये भी कह देंदे ने जगत विच जी रहे हां ते स्वर्ग पई भोगदे हां स्वर्ग, क्योंकि सब कुछ है, किसी चीज की कोई घाट नहीं है, प्रभु का सिमरन भी है, जगत के पदार्थ भी ने, सुकून के नाल जी रहे ने, ये तो स्वर्ग और की है। और एक मनुख ऐसा है जिहदे घर विच रिजक भी परिपूर्ण नहीं है, वह कहता है जी रहे हैं पर नरक भोग रहे हैं, नरक भोग रहे। तो परमात्मा नूं गा मन नूं मैदान कर, मैदान। तो मन नूं मैदान करना एक गल चेते रखना, जो धन गुरु अर्जन देव साहिब जी फरीद दे सलोकां दे नाल कुछ अपने विचार भी रखते हैं और कहते हैं फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहें, फरीदा खालक खलक मैं, जो खालक है बाओ परमात्मा, वो खलकत दे विच बैठा होया है, जर्रे जर्रे विच बैठा होया है, जर्रे जर्रे विच। हुण आप जी नूं मैं अर्ज करा, एक समय वो सी जदों धार्मिक ग्रंथ मौजूद नहीं सी तो परमात्मा की खबर कौन दिंदा सी, जो कोई धार्मिक ग्रंथ ही नहीं सी ते खबर किस तरह मिलती सी। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब ने अगमी बोल
जगत दे सामने रखे। और कहंदे ने हे प्रभु बलिहारी कुदरत वसिया, मैं बलिहार जाना तो कुदरत विच बैठा हुआ है। कहंदे ने कि पुरातन समय विच लोग जदों झरने नू देखदे सी कहंदे सी मेरा प्रभु किस तरह पानी दे रूप विच बह रहा है। जदों हवा वगदी सी कहंदे सी बलिहारी कुदरत वसिया, जदों किसी दरखत नू देखदे सी कहंदे सी हे प्रभु बलिहारी कुदरत वसिया, जदों किसी पशु पंछी नू देखदे सी तां कहंदे सी बलिहारी कुदरत वसिया। हे प्रभु तू कुदरत विच बैठा है, मैं बलिहार जाना बलिहार जाना। फिर जिवें जिवें मनुख की बुद्धि मोटी होंदी गई, कहंदे ने फिर झरनियां दे विचों खुदा दा दिसना, हवा दे विच रब दा दिसना, ते बनस्पति विच रब दा महसूस होना, मनुख दे विच रब दी सुगंध, कहंदे ने फिर वह मोटी बुद्धि करके वह खत्म हो गई। फिर धार्मिक ग्रंथां दी लोड़ पई, धार्मिक ग्रंथां दी, ते मनुख धार्मिक ग्रंथ पढ़ता रहे ते वह गल चेते करता रहे कि बलिहारी कुदरत वसिया।